तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई उज्ज्वल एंड आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ अपने फ्री फायर के अंदर आने वाले अपकमिंग अपडेट के बारे में एंड इवेंट्स के बारे में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर आने वाले अपकमिंग अपडेट के बारे में। एंड इससे पहले आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई जो आपका फ्री फायर को लेकर के हर एक न्यूज़ अपडेट लीक सबसे पहले लेकर आता रहता है। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्री फायर के अंदर हमें बहुत जल्दी गाइज एक नया मैजिक शॉप देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम लोग अपना डायमंड्स बहुत ज़्यादा बर्बाद करके यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलने का चांस रहेगा। लेकिन यहाँ इसके अंदर मेरे को बिल्कुल चांस नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको मैजिक क्यूब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायमंड्स बर्बाद करने पड़ते हैं। और मैजिक शॉप आप सभी को पता होगा कि फ्री फायर के अंदर बहुत पहले यानी कि आया हुआ था, यानी कुछ दिन पहले, यानी कि बात कर लें हम तो लगभग इससे पहले मैजिक शॉप एक बार आया था और यहाँ पे एक बार फिर से दर्शन देने के मूड में है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर ले गाइस, तो नेक्स्ट अपडेट पहले हम छोटा सा अपडेट दे देते हैं। यहाँ से हम बात करने वाले हैं आपको नया जो हम लोग का इलाट पास मिलने वाला है उसके अंदर क्या क्या मिलने वाले हैं। एंड यहाँ से उससे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक नया अपने जो वो है ना बाइक का स्किन, वो बाइक का स्किन आपको गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड ये एक ही बाइक का स्किन है हम लोग के पास और एक मतलब कि और है, तो मतलब कि ज़्यादा बाइक का स्किन नहीं है, तो हमें देखने को मिल सकता है एक नया बाइक का स्किन गाइस। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड नेक्स्ट अपडेट की बात कर लें तो नेक्स्ट अपडेट आता है हम लोगों का नया इनक्यूब्यूटर को लेकर के। तो ये छोटा सा अपडेट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेकेंड इन्वर्जन इन लोगों का चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा डायमंड रॉयल हो गया, इनक्यूब्यूटर हो गया, इन सबको चेंज करके यहाँ पर वाउचर्स को चेंज करके यहाँ पे चेंज कर दिया है। और वहाँ पे अब वो वाउचर आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें डायमंड रोल के अंदर तो जो वाउचर था सेकंड यूनिवर्सिटी वाला, वो तो हमें कुछ कुछ मतलब कहीं कहीं से मिल ही गया है, बट यहाँ पे इनक्यूबेटर वाला जो चेंज हुआ था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो गाइज यहाँ पे उनको लेकर के प्रॉब्लम हो रहा था, तो खैर ये दूसरे सर्वर पर आ चुका है। एंड यहाँ पर उनको जो है टॉपअप करने पर एक डायमंड के टॉपअप भाई मतलब कि ये मिलने वाला, ठीक है गाइज। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे अगर आप एक डायमंड का टॉपअप करते हो तो ऐसा कुछ वहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि वहाँ पे सेकेंड यूनिवर्सिटी का एक आपको वहाँ पे इनक्यूबेटर वाला मिल जाएगा। एंड सेकेंड में बात कर ले तो उसी के अंदर आपको एक 500 डायमंड का टॉपअप करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पैरासूट। अगर अगर आप उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हो यानी कि 750 डायमंड्स का टॉपअप करते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा एक नया आपको आइटम यानी कि इमोट, जिसका पूरा का पूरा आपको जो है सबूत स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा गाइस। तो देखते हैं ये इवेंट हमारे इंडिया के अंदर कब आता है एंड बाकी सब सर्वर्स पे भी कब आता है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट में आता है मेरे फ्री फायर के अंदर हम लोग का पैन जो है वो गाइस एक ही है स्किन है जो कि हम FF टोकन से वहाँ पर लेते हैं, तो वो रेड वाला जो हम लोगों का था तो चेंज कर दिया गया गाइस। वानी वो तो रहेगा, इनके साथ हमें देखने को मिल सकता है एक नया मुर्गे का मुर्गा रखा हुआ होगा उस पर और ऐसा कुछ, तो ऐसा आपको येलो कलर में गोल्डन कलर में जो कह लो देखने को मिलेगा एक नया पेन, जिसके हम मदद से हम एनिमी को एक मतलब शॉट में मार के ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ एबिलिटी नहीं होने वाला है, देखने में कुछ अच्छा लगेगा और क्या गाइस। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हम लोगों का पूरा इलाइट पास को लेकर के। इसके बारे में तो आप सभी को बताना ही चाहूँगा, क्योंकि नहीं बताऊँगा तो आपका इलाइट पास मिस हो जाएगा गाइस। एंड इससे पहले मैंने बताया भी था और इसका पूरा का पूरा डिटेल भी इस वीडियो में ला दिया हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अपने फ्री फायर के अंदर यहाँ पर 28 से 10 तारीख तक लॉग इन करना होगा हम लोगों को गेम को। जैसे कि ये तो पूरा का पूरा सबूत आ चुका है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, जो हम लोग के डायमंड रॉयल के अंदर जो है हमें जो बैकपैक मिलता है वो बैकपैक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये इवेंट रखा गया है पूरा का पूरा आपको 12 दिनों तक लॉगिन करना ही होगा, चाहे वो आप कैसे भी करो, क्योंकि यहाँ पर इलाइट पास जो है वो रखा गया है लास्ट में। तो अगर अब ज़्यादातर बंदों को ये पता नहीं होता, वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि उज्ज्वल भाई ये आखिर लॉगिन होता क्या है, तो भाई मेरे जैसे आप गेम सिंपल तरीके से खेलते हो वही होता है लॉगिन। जैसे कि आज हम गेम को खोल दिए बस वो लॉगिन हो गया, तो 12 दिनों तक लगातार आपको ऐसे लॉगिन करना होगा। यानी कि आप 12 दिनों तक 5 मिनट के लिए भी लॉगिन करते हो, यानी कि 5 मिनट के लिए गेम को खेलते हो आप या फिर खोलते भी हो तो आपका वो लॉगिन हो गया।
तो 12 दिनों तक लगातार करना, ये नहीं कि मतलब आज एक दिन कहीं और चले गए तो वो लॉगिन नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको इलाइट पास। तो मैं ये पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ, लॉगिन यही हुआ कि आपको गेम को ऑनली खोलना है, खेलना है, बस बात करना है। चाहे आप 2 मिनट के लिए खेलो, 5 मिनट के लिए खेलो, चाहे 5 घंटे के लिए या फिर 10 घंटे के लिए, आपको खोलना ही होगा। तो ये अगर 12 दिन तक आप खेलते हो तो ही जाके आपको इलाइट पास मिलेगा। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एंड ऐसे ही आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है गाइस। तो आपको मुफ्त में इलाइट पास मिलेगा सितंबर का, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी मार मार के फोड़ दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सनी लियोनी को याद करो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।